हम इस वक्त हैं लखनऊ के सबसे मशहूर चर्चा के ठिकाने शर्मा जी की चाय की दुकान पर। जैसे बनारस में एक अड़ीबाजी चलती है चाय की दुकानों पर, चर्चा चलती है राजनीतिक साहित्यिक, उसी तरह की कुछ माहौल यहाँ पर शर्मा जी की चाय की दुकान पर होता है। ये मॉर्निंग वॉकर्स का एक क्लब है और ये लोग सुबह की चाय के साथ यहाँ पर चर्चा का आनंद ले रहे हैं। तो हम इन्हीं लोगों से जानना चाहेंगे कि अभी इस वक्त उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है, मतदान हो रहा है, तो उसमें क्या माहौल है बताइए, किस तरह का राजनीतिक माहौल है, आपको किसकी संभावना ज्यादा लगती है? इस समय का राजनीतिक माहौल तो बहुत बिगड़ा हुआ है, कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा का मोदी को पक्ष लेकर के भाजपा का चर्चा ज्यादा है, उनकी सरकार बनने की उम्मीद भी है, बाकी और दलों में दलदल है। आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ उससे नुकसान होगा भाजपा को? इससे नुकसान होगा दोनों पार्टी का, भाजपा का फायदा होगा, नुकसान होगा सपा का और कांग्रेस का, ऐसा आपको लगता है? ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है साहब? हमारे सिर्फ एक नाथ है, एक सांस नाथ। अच्छा, और भाजपा ही अगर आ जाए तो कुछ के सेंटर में वो है, कुछ यहाँ पे भाग उदय होने के चांसेस है। मेरी समझ से ये गठजोड़ का तो कोई मायने नहीं है, दोनों ब्लॉक पार्टी है। यूपी की पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस बिल्कुल ब्लॉक रही है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई नामोनिशान नहीं है इस शहर के अंदर, ट्रैफिक सिस्टम टोटल कोलैप्स है और एवरी फ्रंट गवर्नमेंट इज फेल्योर। तो आप सब क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं? कोई समर्थक नहीं है, पार्टी इज डूइंग वेल, इसलिए उसका समर्थन कर रहे हैं। पर राज्य में अभी मोदी लहर को छोड़ दें तो कल्याण सिंह जी के बाद से पार्टी उस तरीके से खड़ी नहीं हो पाई है। नहीं हो पाई है, उसके कुछ रीजंस रहे, क्यों जातवाद की सारी पॉलिटिक्स इन लोगों ने खेली, एमवाई की पॉलिटिक्स, मुस्लिम और यादव वोट पर, उस वजह से बीजेपी आउट। ये आपकी क्या राय है बताइए? हमें प्रदेश के साथ और वो देखते हुए पापा और माँ पापा दोनों देश से इतने उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे जितना कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे हैं। बीजेपी आने में साल में ऐसा रहेगा दूसरी को प्रोजेक्ट करके मिल सकते हैं। बीजेपी आना चाहिए आपको लगता है? मेरी नजर में राजनीतिक माहौल इधर अखिलेश जी ने कुछ अच्छे काम किए हैं जिसके कारण, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तब भी कुछ थोड़ी कमजोर है, थोड़ी नहीं बहुत कमजोर है लॉ एंड ऑर्डर जी। तो लॉ एंड ऑर्डर को कौन ठीक कर सकता? मायावती जी के टाइम तो लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा ठीक था, मायावती जी के पक्ष में लॉ एंड ऑर्डर ठीक था, लेकिन बाकी और चीजों में कुछ कमी थी। वो तो किसी में, हर किसी में रहेगी, वो तो हर किसी में रहेगी ही। और बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है जबकि बीजेपी के कार्य अच्छे हैं। चेहरा आपको लगता है देना चाहिए? चेहरा देने से थोड़ा सा फर्क पड़ता है निश्चित तौर पे। राजनीति में यह है कि टोटल लो इनकम ग्रुप जो है जी वो स्विंग कर रहा है मोदी की नोटबंदी पॉलिसी को लेकर के। अच्छा, नोटबंदी से उनको लगता है नुकसान हुआ है फायदा हुआ? फायदा नोटबंदी से फायदा हुआ है। किस तरह का फायदा? अरे छोटे लो इनकम ग्रुप को। अच्छा, लेकिन बिजनेस वाले आपके बीच में बिजनेस वाले? अरे वो सब बड़े अगेंस्ट है मोदी के, और हालांकि उसमें 10-20% वोट फिर भी मोदी को देंगे, मगर अगेंस्ट बहुत है। तो साहब बिजनेस वालों को नुकसान हुआ है नोटबंदी से? बहुत नुकसान हुआ। तो लोगों की जेब से कैश खत्म हो गया, बोलिए साहब। हाँ, नोटबंदी से तो काफी नुकसान हुआ है। किस चीज का बिजनेस है आपका? हमारा फाइनेंसिंग का था। अच्छा, मेजोरिटी किसी की नहीं आएगी? नहीं आएगी। आपको लगता है कि त्रिशंकु बनेगी? त्रिशंकु हो जाएगा मामला, हंग हो जाएगा, हंग। ये सब ऐसा लगता है कि मेजोरिटी जो आएगी वो बीजेपी की ही आएगी, मगर गवर्नमेंट बनने में दिक्कत आएगी क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा सबसे पार्टी यही आएगी और ज्यादातर लोग बीजेपी से ही संतुष्ट हैं और जो अभी तक ये समाजवादी पार्टी ने जो दिखाया है वो सिर्फ दिखावा है केवल, और उसमें कोई सत्यता नहीं है। केवल किस तरह से उन्होंने दिखा के और लालच दे के युवा वर्ग को जो आकर्षित किया है
ये बिल्कुल गलत किया है। और इस तरह से ये युवा वर्ग को पूछना कि लैपटॉप दे दिया वो दे दिया तो ये कोई उचित नहीं है। जो जुनून पर्सन है अगर उनको दे तो वो समझ में आती है बात कि आपने जुनून पर्सन को दिया, गरीबों को वो गरीब बेच रहे हैं लैपटॉप बिक रहे हैं, आपको वो आपने दे दिया, आप उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो इस टाइप से चीजें आप प्रलोभन देते आप आकर्षित करते हैं तो ये कोई उचित बात नहीं है। और जो हमारे प्रदेश की दशा हुई है, कोई रोड नहीं सही है, सब गड्ढे हैं, मैनहोल खुले हुए हैं, सल्ला एंड ऑर्डर नहीं है, हर तरह की अव्यवस्था फैली हुई है। बसपा से भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है? बसपा से लॉ एंड ऑर्डर इससे बेहतर, कम से कम मायावती आईएएस को बैठने को नहीं कहती है कि आईएएस बैठे, वो खड़े रहेंगे तो खड़े रहेंगे। अभी चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव में फुल बहुमत नहीं आएगी। हाँ, क्या कौन सबसे बड़ी पार्टी बन सकता है यहाँ? बसपा की दिखाई दे रहे, बसपा बसपा और बीजेपी। चुनाव में क्या हो रहा है इस बार? चुनाव में अखिलेश जी की लहर है, अखिलेश जी चुनाव बहुत अच्छे सीटों से जीतते आएंगे। आप समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं, कार्यकर्ता नहीं, मैं आम व्यक्ति लोग। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अच्छा किया अखिलेश जी ने? नहीं किया, वो बड़े नेता का वो है, लेकिन अच्छा हुआ तो यूथ आए हैं उसमें अच्छा है। अच्छा, ये जो झगड़ा हुआ, ये झगड़े से क्या नुकसान नहीं हुआ समाज? कोई नुकसान ऐसा कोई झगड़ा नहीं पड़े। धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये खुशियां जो है वो इसी तरीके से कायम रहे, आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे।